एस ग्रीन की हम बात करें तो टी एस ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, आदर्शवादी विचारक हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। टी एस ग्रीन की पुस्तक की हम बात करें तो टी एस ग्रीन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। ये टी एस ग्रीन की पुस्तक है, 1895 की ये कृति है। बबलेस गुड मॉर्निंग। और इस कृति में टी एस ग्रीन ने चेतना की सर्वोच्च संस्था को माना है, मानव को, चेतना की सर्वोच्च संस्था टी एस ग्रीन ने मानव को माना है। टी एस ग्रीन ने अपने इस पुस्तक में स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, स्वतंत्रता के दो प्रकार टी एस ग्रीन ने अपनी इस पुस्तक में बताए हैं। एक प्रकार आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरा प्रकार बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये जो स्वतंत्रता है ये नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता का संबंध है वो व्यक्ति के स्वयं से है, यानी व्यक्ति स्वयं इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। और व्यक्ति इस स्वतंत्रता को स्वयं प्राप्त कर सकता है, इसलिए आंतरिक स्वतंत्रता में राज्य का कोई योगदान नहीं होता है, राज्य का योगदान इसमें नहीं होता है, यानी व्यक्ति स्वयं इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। और बाह्य स्वतंत्रता के संदर्भ में कहता है ग्रेन कि इसमें राज्य को योगदान देना चाहिए, राज्य को इसमें योगदान देना चाहिए। राज्य को बाह्य स्वतंत्रता के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं या वातावरण है उसका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, आवश्यक परिस्थितियां या वातावरण का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी व्यक्ति को उचित वातावरण उचित परिस्थितियां देने का योगदान करे राज्य, यानी उचित राज्य द्वारा या जो उचित वातावरण या उचित परिस्थितियां जो दी जाती हैं व्यक्ति को, यही क्या है स्वतंत्रता है, बाह्य स्वतंत्रता है। तो ग्रीन के अनुसार ये जो उचित वातावरण या उचित जो परिस्थितियां हैं यही क्या है स्वतंत्रता है। ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता है वो उन कार्यों को करने तथा उन वस्तुओं का उपयोग करने की शक्ति है जो कार्य करने योग्य हैं, जो वस्तुएं उपयोग करने योग्य है। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उन वस्तुओं के उपयोग करने की शक्ति है जो करने योग व उपयोग भोग योग्य है। स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन का एक और भी कथन है। ग्रीन कहता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं।
मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये दूसरा कथन है और इसी कथन से संबंधित आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका यही था, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका हो जाएगा? टी एच ग्रीन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर।